क्योंकि पिटाई तो चाइनीज सैनिकों की हुई है, आपने देखे होंगे वीडियो, बेचारे जैसे वो बकरियां एक कोड़े लगा दी जाती हैं, डरे डरे से बेचारे वो बच्चे से खड़े हुए हैं और उनको हमारे पंजाबी पुत्र पीट रहे हैं। तो वो बताइए कि अगेन 1, 2, 3, 4, 5 मैंने इसकी देखिए तो गालिबन 700 किलोमीटर से ये स्टार्ट हो रहा है और अभी ये कह रहे हैं कि 5000 से 8000 किलोमीटर तक अभी जो लेटेस्ट है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा कि ये मिसाइल, एक तो थोड़ा सा इसकी डिटेल्स आपसे समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ टारगेट किसको किया जा सकता है इस मिसाइल के जरिए। देखिए सबसे पहले तो ये चाइना स्पेसिफिक मिसाइल है, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान इसके टारगेट से परे है। ये अग्नि 5 मिसाइल ऑलरेडी इन सर्विस है, इसकी ऑफिशियल रेंज तकरीबन 5400 किलोमीटर बताई जा रही है या लोग अंदाजा लगा रहे हैं, बट अनऑफिशियली इसकी रेंज 8000 to 10000 किलोमीटर है। और अगर ये 5500 किलोमीटर भी है या 5400 किलोमीटर भी है, तब भी आप मान के चलिए कि पूरा का पूरा चाइना इसकी जद में है, और सेंट्रल एशिया, आपका मिडिल ईस्ट, और आप और उधर आगे चले जाएं तो यूरोपियन कंट्रीज भी इसके जद में आते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो वेबसाइट्स हैं, अगर आप उनको सर्च करें और उनको पढ़ें, तो वो कहती हैं कि इस मिसाइल की रेंज 8000 to 10000 किलोमीटर की है, और चाइना का ये मानना है कि इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 12000 किलोमीटर की है। अब जैसा आपको मालूम होगा कि चाइना के ट्रैकिंग शिप्स इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी रहते हैं, वो इंडियन मिसाइल्स को ही ट्रैक करते हैं। पीछे एक विवाद भी हुआ था जब उनका एक स्पाई शिप ट्रिंकोमाली के अंदर, सॉरी करेक्शन, हम्बनटोटा के अंदर एम्बार्क हुआ था श्रीलंका में, और इंडिया ने उस पर प्रोटेस्ट भी किया था। अब ऐसा होता है कि जब मिसाइल फायर करते हैं तो उसकी एक ट्रेजेक्ट्री होती है। अब जो ट्रेजेक्ट्री, अगर हाई ट्रेजेक्ट्री है तो रेंज कम होगी, और अगर लो ट्रेजेक्ट्री है तो रेंज ज्यादा होगी। अब इस मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है, ये हाई पैराबोला ट्रेजेक्ट्री मानी जा रही है। अगर आप सोशल मीडिया को स्कैन करें तो इस मिसाइल को इंडिया के अंदर लोगों ने मिजोरम में भी देखा, बांग्लादेश में भी देखा गया, बंगाल में, झारखंड में, और बहुत सारे स्टेट्स में देखा गया। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत हाई पैराबोला ट्रेजेक्ट्री में फायर की गई थी, तभी आपको हजारों किलोमीटर दूर से भी नजर आ रही थी। जहां पे ये चांदीपुर है जहां से ये फायर किया, और वहां से और आइजोल, मेरे ख्याल से पूरा बांग्लादेश, पूरा बंगाल क्रॉस करके और फिर आता है आइजोल, बिल्कुल दूसरी तरफ म्यांमार के पास बॉर्डर है। तो इतनी दूर से भी लोगों ने इसके वीडियो बनाए हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत हाई पैराबोला के अंदर ये फायर की गई मिसाइल है, और मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी अगर इसकी एक्चुअल में रेंज 12000 किलोमीटर निकल रहा है जैसा चाइनीज बोल रहे हैं। और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब वो कहती हैं कि 8000 से 10000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, तो वो गलत नहीं कह रही हैं, और ये बात इसी चीज से क्लियर हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल दिया कि कितने लोगों ने कितनी दूर दूर से वीडियो बनाए थे। एग्जैक्टली, अगर आप इसको बस उसी तरीके से कंपेयर कर रही है आर्टिलरी के फायर से, अगर आर्टिलरी का फायर हाई एंगल में होता है तो रेंज कम होती है, और लो एंगल में होता है तो रेंज ज्यादा होती है। Right. जब लो एंगल में फायर होता है तो गोला ऊपर कम जाता है और आगे ज्यादा जाता है। बेसिक सिंपल ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स, Right. ये सब वो बेसिक है, तो इसीलिए इसकी रेंज काफी ज्यादा है, और ये पूरे यूरोप को कवर कर रहा है, पूरे चाइना को कवर कर रहा है इसकी, और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन टाइमिंग और फिर चाइना के साथ क्लैशेस को अगर मैं पाकिस्तान में बैठकर बात करूं तो लोग ज्यादातर इसको इस कॉन्टेस्ट में ले रहे हैं कि चाइना को बताना चाहता है इंडिया कि भाई हम इस तरह नहीं है, जिस तरह के अगर 1962 में आपने हमें पीटा था तो अब 2022 में शायद वो पोजीशन नहीं है, एक और पोजीशन है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन ही नहीं है, तो इसको मैं कैसे बोल दूं कि इंडिया ने इसलिए मिसाइल टेस्ट करी क्योंकि कुछ लोगों के बीच में पत्थर चल गए और लात घूसे चल गए, तो ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा तो चाइना को टेस्ट करनी चाहिए थी मिसाइल, अगर इसी लॉजिक से चला जाए, क्योंकि पिटाई तो चाइनीज सैनिकों की हुई है, आपने देखे होंगे वीडियो, बेचारे जैसे वो बकरियां एक कोड़े लगा दी जाती हैं, डरे डरे से बेचारे वो बच्चे से खड़े हुए हैं और उनको हमारे पंजाबी पुत्र पीट रहे हैं। तो वो ऐसी वीडियो देख के तो चाइना के शी जिनपिंग को एक मिसाइल लॉन्च कर देनी चाहिए सर, वो